और पाठशाला में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो गई है। पहलवान विनेश फोगाट चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। विनेश फोगाट की सियासी पारी पर इस बीच साक्षी मलिक का भी बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने विनेश फोगाट को नसीहत दे दी है। साक्षी मलिक ने कहा है कि मुझे भी ऑफर मिले थे लेकिन स्वीकारा नहीं, हमें कहीं ना कहीं त्याग करना चाहिए। यानी इस पूरे मामले में अब हरियाणा में चुनावों के बीच सियासत तेज हो गई है। विनेश फोगाट जिनके मेडल न मिलने को नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा था और वहां पर तमाम सियासत हुई, सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा मचा और अब विनेश फोगाट जब कांग्रेस में शामिल हुई हैं इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच साक्षी मलिक का उन्हें नसीहत देना कि मुझे भी ऑफर मिला था लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, हमें कहीं ना कहीं त्याग करना चाहिए, ये पूरा मामला हरियाणा चुनाव में बड़ा जोर पकड़ने वाला है और इसको लेकर सियासत गंभीर होने वाली है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा चुनाव में, पब्लिक क्या कह रही है, क्या सियासत चल रही है, इस बड़ी खबर पर एक रिपोर्ट देखिए। नाना करते सियासी दंगल में आ गए पहलवान, पीछे छूटा आंदोलन, अब होगा सियासी दंगल। विनेश बजरंग की राजनीति साक्षी को पसंद नहीं आई। दंगल लड़ते लड़ते विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस के अखाड़े में जा पहुंचे हैं। महिला शोषण के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बनने वाले दोनों खिलाड़ी कांग्रेस का चेहरा बन गए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदय बान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। अब राजनीति में आ गए हैं तो कुश्ती में महिला शोषण के खिलाफ शुरू किया आंदोलन पीछे छूट जाएगा, आंदोलन के साथ ही छूट जाएंगे, आंदोलन के बहाने राजनीति करने का ठप्पा लग जाएगा। शायद इसी वजह से पहलवान साक्षी मलिक नाराज हो गई हैं। साक्षी मलिक वो चेहरा है जिन्होंने विनेश और बजरंग के साथ मिलकर ब्रजभूषण के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ी है। साक्षी मलिक को डर है कि कहीं उनके आंदोलन पर सियासत का टैग न लग जाए, इसलिए साक्षी कह रही हैं कि ऑफर तो उन्हें भी बहुत आए थे। मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूं था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। सोचिए जब विनेश और बजरंग की पुरानी साथी रही साक्षी मलिक सवाल उठा रही हैं, तो फिर उन लोगों का मुंह तो अपने आप खुलेगा जो शुरू से ब्रजभूषण का बचाव कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रदर्शनकारी पहलवानों के आरोपों के पीछे राजनीति है। ब्रजभूषण भी यही कह रहे हैं कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, उन्हें फंसाया गया। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था, ये खड़ियंत कांग्रेस का है, ये खड़ियंत दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ियंत भूपेंद्र हुड्डा का है, मैंने बोल दिया था। आज देश बोलना है, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। यूपी के कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने यह बयान दिया। इस दौरान वो कई बार भावुक हो गए, मंच पर कई बार आंसू पोंछते नजर आए।
दोनों खिलाड़ियों पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस ज्वाइन करने की टाइमिंग भी दिखा रहे हैं। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। जाहिर है कि शामिल होने से पहले ही टिकट मिलने, चुनाव लड़ने की डील हो गई होगी। सवाल उठ रहे हैं, इसलिए विनेश बैकफुट पर दिख रही है। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो मार रहे हैं देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंट हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों के प्रति लोगों की इमेज अलग होती है और नेता के प्रति अलग। अब जब दोनों खिलाड़ी नेता बन गए हैं, तो जनता भी उन्हें उसी नजर से देखेगी। कांग्रेस ज्वाइन करते ही दोनों खिलाड़ी नेता के रूप में आ गए। बजरंग पूनिया और विनेश ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे, तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। विनेश और बजरंग बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी ने भी दोनों स्टार खिलाड़ी होने का लिहाज छोड़ दिया है, क्योंकि अब तो खुली लड़ाई है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हां, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हां, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका भी अधिकार है। इस सियासी वार पलटवार में सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस है। उसकी तो एक तरह से लॉटरी लग गई है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव किसान आंदोलन और दिल्ली में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बाद हो रहे हैं। किसान आंदोलन में भी हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और महिला पहलवानों के प्रदर्शन में भी ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से थे। दोनों खिलाड़ियों के बहाने कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और अग्निवीर के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। They fought for the किसान of this country. You can witness that when किसान agitation happened, they are there with the किसान. They fought for अग्निवीर. When they are in great difficulty, this is the social commitment of this great players. कांग्रेस आत्मविश्वास जता रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं। उसके दोनों नेता खिलाड़ियों की ज्वाइनिंग को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। नहीं, कोई किसी में शामिल हुआ, हमें उसमें हमने क्या लेना है? अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई इशू नहीं। उधर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई तो एक बुरी खबर। अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने खुलकर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम मानते हैं हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं।
दरअसल अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि जैसे वो यूपी में कांग्रेस का जनाधार ना होते हुए भी उसे उपचुनाव में कुछ सीटें देगी, वैसे ही कांग्रेस को हरियाणा में सपा के लिए करना चाहिए था। लेकिन अखिलेश को झटका तब लग गया जब राहुल गांधी ने केजरीवाल के साथ गठबंधन पर जोर दिया और उन्हें पूछा तक नहीं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस ऐसा कॉन्फिडेंस तो दिखा रही है जैसे वो आसानी से बीजेपी को हरा देगी, लेकिन पार्टी को केजरीवाल का साथ लेना पड़ रहा है, स्टार खिलाड़ियों को उतारना पड़ रहा है। ये चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कॉन्फिडेंस तो राहुल गांधी का हिला हुआ है। कैसे